चारो, कहाँ हो तुम? चारू, चारू, कहाँ चली गई तुम? चारू, 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 क्या हुआ तुझे? वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ होगा, ये सोचने तक सब कुछ खत्म हो गया था। हमारे खेत में काम करने वाले लोगों ने ही उसकी इज्जत लूटी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। इसलिए दादा, दादी और प्रकाश चारू को लेकर कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। क्या कंप्लेंट है? कुछ पापियों ने मेरी पोती के साथ अत्याचार किया है। अत्याचार मतलब रेप, ऐसा क्या? कितने लोग थे बताओ? छह लोग थे सर। छह लोग थे? तूने देखा क्या? नहीं सर। तूने? नहीं। बढ़िया, तूने? नहीं। मतलब किसी ने नहीं देखा। क्या नाम है तेरा? चारू। चारू, तुझे देख के तो चढ़ती नहीं है दारू। कहाँ कहाँ छुआ उन्होंने? पैरों को छुआ क्या? कमर पे? देखकर लगता है कि गालों पे पप्पी लिए या और कहीं भी। जो भी है सही सही बताना पड़ेगा। तुम पुलिस वाले हो या दलाल? इन सवालों का क्या मतलब है? डिटेल्स, डिटेल्स बुढ़ाओ। ए, ऐसे क्या देख रही है? बता, कितने लोगों ने हाथ पकड़े, कितने ने पैर पकड़े? दो ने हाथ पकड़े थे और दो ने पैर। और वो पांचवे ने? ओ, समझ गया। छोड़, मतलब उन पांचों ने मिलकर ही कहां जख्मी किया बता नहीं सकती क्या? ओह, बहुत मजे लिए उन्होंने। सब कुछ बताने के बाद भी उस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया और सबको वहां से लौटा दिया। फिर जब दूसरे दिन वो वहां गए तो फिर से वही सवाल किया कि सब कुछ डिटेल में बताओ। ए छोरी, तेरे साथ जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी फिर से बता, चल। दो लोगों ने हाथ पकड़े थे और दो लोगों ने पैर पकड़े थे। उसके बाद पांचों ने बारी बारी से मेरे साथ अत्याचार किए, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, मैं जब चिल्लाने लगी तो मुझे धमकी दे दी। मुझसे कहा, हेलो सर, अभी आया सर। पूरी कहानी फिर से सुनने के बाद उसने कहा कि शाम को आओ। फिर वो लोग शाम को आ, मुझे कुछ याद नहीं तुमने क्या कहा था, मैं सब भूल गया। फिर से जरा खुलकर बताओ। दो लोगों ने मेरे हाथ पकड़े थे और दो लोगों ने पैर पकड़े थे। जरा सोचिए, एक लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ वो अपने माँ बाप या भाई बहनों से कहते समय झिझकती है। ऐसे में हमारी रक्षा करने वाली पुलिस इस तरह बार बार पूछने लगे तो क्या मतलब है सर? फिर भी उसने बताया। फिर शाम को ऑफिसर ने आज राइटर नहीं कह के उसे लौटा दिया और कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिया। वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। चारू, बचपन से जिसे अपनी बहन माना उसे खोकर कौन सा भाई चुप रहेगा सर? अब इसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ सर, देखिए मेरी बहन आराम से सोई है सर। सर सर, इसी हाथ से मार के, इस तरह से मार के कहानी सुनाने की जिद करती थी सर। आज वो हाथ शांत हो गया है सर। आपको जानना था ना इस हाथ को कितने लोगों ने पकड़ा है? फिर से पूछे ना, जवाब देगी। सर सर, जब ये चलती थी तो इसके पायल की आवाज हमेशा मुझे सुनाई देती थी, अब सुनाई नहीं दे रही है सर। एकदम से शांत हो गई है सर। आपको जानना था ना सर कितने लोगों ने पैर पकड़ा था? पूछे ना सर, पूछे ना, जवाब देगी। चारू, जब इनकी बीवी का रेप होगा, इनकी बहन का रेप होगा, उनसे भी डिटेल में सवाल पूछेंगे जैसे तुमसे पूछा था चारू। सर, हम जैसे छोटे लोगों से आपको क्या मतलब? सर, आप हमारे रखवाले थोड़ी है सर। पूछिए सर, आप सवाल पूछिए सर। चारू बताएगी, पूछिए ना सर। सर पूछिए ना, पूछ क्यों नहीं रहा? गूंगा हो गया कमीने! ए, मैं खामोश हूँ, इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा। इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे मारेगा तू? ये ले पकड़, मार 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 ना, मार मुझे, मार मुझे। मैं सिर्फ दो दिन के लिए बाहर गया था और जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था
वो सब कुछ हो चुका था। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला मेरा दोस्त और अपने हाथों से खाना खिलाने वाली मेरी जान से प्यारी बहन, दोनों को मैं हमेशा के लिए खो चुका था। चल बेटा, अब कितनी देर यहाँ खड़ा रहेगा? ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। पुलिस का मतलब ये नहीं है कि अपने कंधे पर वो स्टार पर स्टार बढ़ाता रहे, उन्हें उनका फर्ज याद दिलाना होगा। जानते हो, हमारा देश इतना कमजोर नहीं था। अगर सारे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें तो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है हमारी पुलिस। लेकिन आज जनता पुलिस के पास अपनी शिकायत ले जाने से डरती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन को पैसा कमाने का अड्डा बना दिया गया है। सारी व्यवस्था चरमरा गई है। तेरे बहन के साथ हुए अत्याचार को उन लोगों ने उसके मुंह से बार बार बुलवाया, तो वो बेचारी आत्महत्या नहीं करती तो क्या करती? रेप कैसे हुआ, किस किस ने छुआ, रेप ही था ना वो? ऐसे वैसे उल्टे सीधे सवाल पूछे गए, कहा कि कोर्ट में जाएंगे तो इंसाफ मिलने में सालों लग जाएंगे, केस ही नहीं बन पाया। भ्रष्टाचार में बिके हुए ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का नाम सुनकर हमें गर्व होना चाहिए, उसकी जगह हम उन्हें गालियां देते हैं। उनसे डर लगने लगा है, लेकिन मुझे विश्वास है अगर पुलिस अपना फर्ज निभाए, बेईमानी ना करे, ईमानदारी से काम करे, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दादाजी की बात सुनने के बाद मुझ पर एक जुनून सा सवार हो गया। योर ऑनर, बताइए क्या मैं गलत हूं? क्या वो पुलिस इंस्पेक्टर सही था? अगर होता तो मेरे दोस्त और मेरी बहन को इंसाफ मिलता। ये सिर्फ हमारे शहर की समस्या नहीं है, हर जिले में, हर एक राज्य में, यहां तक के पूरे देश में यह समस्या है। दिन ब दिन रेप का नंगा नाच बढ़ता ही जा रहा है, कोई कमी नहीं हो रही है। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हो गया देश का उद्धार। अगर आप सबको लग रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है, तो आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। फैसले पर विचार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम जनता की बात भी सुने। जनता की राय का इस केस में बहुत महत्व है, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसलिए अभी इसी वक्त इस केस के बारे में किसी को कहना हो तो जनता को इसकी इजाजत दी जाती है। सर जी, मेरा नाम है रामास्वामी। हम जिस भगवान की रोज पूजा करते हैं उन्हीं के अवतार हैं ये, हमारे गणेश जी। आज इस शहर में हर ऑटो वाला अपने परिवार के साथ दो वक्त की रोटी खाकर सुख की जिंदगी जी रहा है। ये सब गणेश साहब की मेहरबानी है। सारे गुंडे शहर से बाहर हुए, वो सब इन्हीं के कारण हुआ। कितने सारे सरकारी अधिकारी परीक्षा देकर पास हो जाते हैं, सिर्फ यही एक अच्छा काम करते हैं, पर उसके बाद सारे गलत काम करते हैं। लेकिन हमारे गणेश साहब परीक्षा दिए बगैर आईपीएस बने, ये गलत काम किया, लेकिन जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया। गणेश अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्हें सजा मत दीजिए प्लीज। जनता की अदालत में जनता के बयान पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस वालों ने गणेश और उसके परिवार के साथ जिस तरह से बेशर्मी की हद पार करके बर्ताव किया है, उसी की वजह से गणेश नकली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मजबूर हुआ, ताकि सरकार की कमियों को इस न्यायालय के सामने ला सके। इसने जो भी किया उसके पीछे जिम्मेदार है पुलिस वालों का कठोर बर्ताव। जनता के फैसले से ज्यादा इस देश का संविधान और कानून मायने रखता है, इसीलिए गणेश को 1,00,000 रुपए का जुर्माना और इसके साथ साथ 1 महीने जेल में रहने की सजा सुनाती है। हट गया शोर सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका, संभाल तेरी गगरी रे। चेयर का पावर गया, टेबल का पावर गया, डंडे का पावर गया, लेकिन मेरा पावर तो वैसे का वैसे ही रहा। हाँ, ओ टोपी, शेर वाली टोपी जब तक तुम लोगों के सर पर है तब तक तुम लोगों में गुरूर है। टोपी उतरते ही तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि अमराज भी नहीं। क्या डायलॉग मारा जिनके सर पर टोपी है वो सामने आओ और टोपी उतारो।
अरे बाहुबली, कहते हैं इस टोपी में बहुत पावर है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा? पापा ने मुझे जो नाम दिया था वही हमेशा मेरी बाइक पर भी रहते हैं। रथ से हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तब तूफान आता है। क्या है यार? लड़कियां अपने माथे की बिंदिया समझकर मेरी इज्जत करती हैं और तूने उन लड़कियों को छुआ तो तेरा विनाश। अरे अरे कौन है, कौन है? जनता का दिया स्टार मेरे माथे पर है, ये तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। अरे स्टार चांद के कारण चमकता है, मैं तो सूरज जला दूंगा। जिस पर फैंस की दुआ हो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। अरे मैं उम्र कम करने की हिम्मत रखता हूँ, मेरी पावर बहुत ज्यादा है। अरे अरे पावर कुछ ज्यादा हो गया। ये पावर लेकर वो मुझसे टकराने आया था, कहाँ गया वो? Hey, अगर इस टोपी को परमानेंट अपने सर पे रखना चाहते हो तो मेरा कहा मानना पड़ेगा।